हुए है राजपुरा के बस स्टैंड में नागपुर वाले पर्टिकुलर किसी एक इंसान को बदल नहीं सकते तो ट्राई कर। हे व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स 2:30 PM इन द आफ्टरनून और अभी 2:30 बज गए हैं और आप लोगों को लग रहा होगा मैं अचानक से ही कहाँ पर आ गया। तो अभी अभी मेरा क्लासेस सारे ही ख़त्म हो गई है और मैं पहुँच चुका हूँ प्रतीक भाई के आश्रम पर और उनका मेरे को फ़ोन आया था कि केस वेस कुछ लेने के लिए जाना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अभी मैं फ्री हूँ बिल्कुल ही, मेरा कॉलेज वॉलेज के सारे क्लासेस हो गए हैं तो हम लोग होके आते हैं। और इधर अपना लेटे हुए है धवल भाई, शायद आपको दिख रहे होंगे, तो आइए प्रतीक जी से मिलते हैं। नीचे है क्या? तो यह है पूरा अपना आश्रम और यहाँ पर आके अपन ऐसे देख रहे हैं कि जॉय के साथ ऐसे प्रतीक जी भी बैठे हुए हैं और बाणा भाई भी बैठ गए हैं और यह है अपना जॉय। यह है अपने प्रतीक भाई, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अभी मेरे सारे क्लासेस ख़त्म हो गए थे और उनका मेरे पे फ़ोन आया जैसे कुछ केस वेस के सिलसिले में जाना है। उनका काम अभी तो बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे आप देख रहे हो उनकी भी ऐसे मस्त चैनल है। बंद कीजिए ना इसको यार, हाँ ऐसा वीडियो ही रख रहे हैं वो अभी, क्योंकि उनके पास क्या बहुत सारे वीडियो होते हैं। अपन का तो ठीक है, कभी कभार हो जाता है हफ्ते में एक आध बार, तो क्या सही है ना प्रतीक भाई। और आप जाइए, मैं इसका भी लिंक थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रतीक आहिर कर उनका पूरा एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, बहुत ही बड़ा यूट्यूब चैनल है, आप लोग जाइए और उधर देखिए। और ये है अपना भाणा भाई, क्या भाणा भाई, बहुत दिनों के बाद मिला आप, कुछ उदयपुर बीसी से ऐसा कुछ मिले थे गांधी पे, पर आप वो सब को हाँ यार वो अभी क्या है, ये सब करना पड़ता है। मैं बाणा भाई को बुलाता हूँ, बोलता हूँ यार 5-6 लॉन्डों को लेके आ जाओ, क्या सब्सक्राइबर अभी बढ़ नहीं रहे, तो जल्दी से आप लोग सब जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। जल्दी बढ़ेगा तो हम कुछ नया लाएंगे और नया बहुत अच्छा लाने वाले हैं। हाँ आप जल्दी से बढ़ाओ तो क्या, हाँ देखो जैसे देखो सबको दिखाओ, जो हो सकता है वो करो, सही है ना प्रतीक भाई। और ये अपना जॉय, जैसा मैंने आपको दिखाया, देखा जॉय बोलते ही वैसे खड़ा हो जाता है। बोल रहे हो धवल भाई, आप अभी जा रहे हो ना केस लेने? हाँ वो तो प्रतीक भाई लेने के लिए जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ ऐसे थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए आया था, मेरा कॉलेज खत्म हो गया था। अरे जॉय यार उधर कहाँ पर यार, अभी जॉय को जॉय का कुछ करते हैं अभी बाद में आके, ठीक है। तो यह है अपना पूरा प्रतीक भाई का आश्रम, जैसे कि आप देख रहे हो सारी सुख सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। अगर कोई भी आनंद विद्यानगर के आजू बाजू से कोई भी हो तो इधर आके अपने हिसाब से सारा पूरा इंक्वायरी और चेक करके इधर मतलब आकर रह सकता है, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो सारे इधर आके रहते भी हैं। इनफैक्ट यहाँ पर किचन की भी सुविधा है, रहने खाने पीने नहाने सोने की सारी सुविधा ये लोग देते हैं अपने प्रतीक भाई और गोपाल सर, दोनों भाई अपने गुजरात के। तो अगर आप लोग इधर आसपास में से हो तो यहाँ का कांटेक्ट आप लोग कर सकते हो, मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूँगा किसी को कुछ ज़रूरत हो तो। और खैर मैं तो यहाँ पर आया करता हूँ आए दिन, पर आज प्रतीक भाई का अचानक से ऐसे फ़ोन आ गया, क्योंकि प्रतीक भाई भी रहते नहीं हैं आनंद के अंदर, तो बहुत दिनों के बाद वो भी आए हैं। उनका भी काम अभी महुआ साइड चल रहा है, सब सूरत होता है महुआ में होता है उनका काम, अहमदाबाद में होता है, तो उसी तरीके का उनका काम भी पूरा, वो तो आप लोग उनके चैनल पर जाके देख ही लोगे, तो जाइए उनके चैनल पर, वो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए उनको भी, है ना बड़ा भाई। हाँ भाई सब्सक्राइब करो जल्दी। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं गाड़ी के अंदर, प्रतीक भाई का गाड़ी है XUV500, बहुत ही बेहतरीन उमदा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और आज ये प्रतीक भाई का ऐसे आई वेयर वाला जो चश्मा है वो हमने ऐसे चेक कर लिया है, ये बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्टर है। और हम आज ऐसे अपना थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा बहुत सामान, तो अभी जा रहे हैं, अभी कहाँ पर जाते हैं क्या जाते हैं वो तो प्रतीक भाई के ब्लॉग में आप देख ही लोगे, और उसके पीछे क्या मजाक मस्ती हमारी चल रही है वो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने का ट्राई करूँगा, है ना बड़ा भाई। रिजल्ट भाई जरूर लगा है। हाँ और हाँ
देखो सीट बेल्ट जरूर लगा है, हमने तो लगा लिया है सीट बेल्ट एकदम ऐसे, और प्रतीक भाई सर मास्क एकदम सब महका रहे हैं पूरी गाड़ी को, ऐसा सब चल रहा है। सैनिटाइज कर रहा हूँ, सैनिटाइज भी जरूरी है अभी, कोविड लोग बोल रहे हैं चला गया है पर ऐसा कुछ नहीं, हाँ जरूरी है। और ये प्रतीक भाई अपने उनका केस ले रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहे उनका काम शुरू हो गया है और वो अभी बुला रहे हैं, तो अभी उधर से एक हमें केस लेना है और फिर इनको लेके जाना है आश्रम पर जिधर हम लोगों ने आपको दिखाया है उधर, तो देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं, पूरे ब्लॉग के आता कैसे आज सेवा करते हैं हम हमारे इस वीडियो। तो दोस्तों अभी हम लोग खड़े हुए हैं राजूपुरा के बस स्टैंड के अंदर और प्रतीक भाई अपना वहाँ पर केस ले रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो प्रतीक भाई अपना काम कर रहे हैं और इसका जो पूरा वीडियो है ब्लॉग है वो उनके चैनल पर आ जाएगा, तो उधर आप लोग जाकर देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक उनका दे दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है अपना राजूपुरा वाला रोड पूरा। बड़ी मशक्क़त के बाद प्रतीक भाई ने चाचा को कन्विंस कर लिया है आने के लिए शेल्टर होम पर, और बहुत ही मेहनत का काम होता है ये सब, ये जो अपन लोग देखते हैं 2-5 मिनट का वीडियो इसमें नहीं होता है, मैंने आज वो भी फील किया। हालांकि मैं तो उनके साथ घूमता रहता हूं पर आज मैं आया अपना टाइम निकाल कर के, हाँ मुझे भी जाना चाहिए, तो पहुँच गए हैं हम और काका को कन्विंस कर दिया है। अब प्रतीक भाई थोड़ा बहुत ऐसे बात कर रहे हैं गाँव वालों से, उनका पूरा एक प्रोसीजर रहता है, तो उनको पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा उनके चैनल पर, तो वहाँ पर जाइए, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और देखिए पूरा वीडियो। क्या प्रतीक भाई बात हो गया आपका? चलो हो गया, हो गया, काका को कन्विंस कर लिया है, प्रतीक भाई का पूरा वीडियो आएगा उसे देखिए, उसके अंदर आपको ज्यादा डिटेल में मिलेगा सब चीजें। और अभी काका बुला रहे हैं मेरे को भी और आप सबको भी, देखिए इधर बैठे चलो। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं आनंद, अभी हम लोगों ने नेशनल हाईवे नंबर 8 छोड़ दिया है और प्रतीक भाई हमारे साथ है, तो प्रतीक भाई आपकी तरफ कीजिए थोड़ा कैमरा। तो ऐसे अभी आप ये सब काम करते हो प्रतीक भाई, तो अभी आप अपन काका को ले लिया है, तो अब उनका क्या क्या काम होने वाले हैं? तो पहले तो हमने काका को रोड साइड से उठा लिया है, मतलब ले लिया है, अब उनको लेके जाएंगे शेल्टर होम पे, जो गवर्नमेंट ही हमें सुविधा प्रोवाइड करती है वहाँ पर उनके हालात में चेंजेस लाएंगे, क्योंकि ये लोग जो होते हैं कभी उन्होंने फैन नहीं देखा होता है, कभी उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया होता, कभी अच्छे कपड़े नहीं देखे होते, तो हम एक प्रयत्न करते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव अगर हमसे आए, हम सबकी ज़िंदगी तो नहीं बदल सकते पर पर्टिकुलर किसी एक इंसान की तो बदल ही सकते, तो ट्राई करेंगे, अगर वो उस एनवायरमेंट में एडॉप्ट हो गए तो उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो हमने तो हमारी पूरी मेहनत कर दी है उनकी जो परिस्थिति थी उसमें बदलाव लाने की, और फिर देखेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं, है ना? वो तो अभी आप लोग ही देखोगे पूरा, हम लोग तो आपके साथ अभी घूम रहे हैं थोड़ा बहुत,
थोड़ा बहुत जान रहे हैं क्या है क्या नहीं, सीख रहे हैं थोड़ा बहुत आप लोगों से, ये काका से, कि रोड पर रहना एक बहुत ही कठिन परिस्थिति होती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों, ऐसे रोड पर क्या बोलते हैं, सर्दी के मौसम हो या फिर बारिश हो या फिर धूप हो छाँव हो, ऐसा पूरा सिलसिला चलता है इन लोगों का, तो इन लोगों की लाइफ बहुत टफ होती है। पर प्रतीक भाई, पोपट भाई, इन जैसे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोगों को रास्ते पिलाने की थोड़ी बहुत जो भी उनसे कोशिश हो रही है वो कर रहे हैं, अपने प्रयत्न जारी रह रहे हैं। और हम तो ऐसे मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारी रील्स डाली हुई है पोपट भाई के साथ भी, तो मेरा लिया गया है पूरा लिंक विंक इंस्टाग्राम का, तो उधर भी जाके आप लोग देख सकते हो। मैं हालांकि बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, पर आज मेरे को वापस टाइम मिला था तो मैं आया था कि प्रतीक भाई क्या कर रहे हैं, तो प्रतीक भाई ने थोड़ा बहुत ये नॉलेज दिया और अभी हम लोग निकल गए हैं, पहुँचते हैं आनंद शेल्टर होम पर। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं आनंद शेल्टर होम पर और प्रतीक भाई हॉर्न बजाने का बोल रहे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो हम लोग पहुंच गए हैं वापिस आनंद, और अभी काका के ऊपर प्रतीक भाई पूरा काम करेंगे, काका को एकदम बिफोर आफ्टर वाला सीन का हो जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले कैसे लग रहे थे अभी बाद में कैसे लग रहे थे। तो ये रहे अपने काका जो प्रतीक भाई अभी लेकर आए हैं, उनके ऊपर पूरा काम होगा, सारा का सारा इनको सुधारने का पूरा एक प्रयास किया जाएगा। देखते रहिए वीडियो के अंत तक, मैं आपको दिखाऊंगा ये पहले का है, अभी बाद का मैं आपको दिखाता हूँ एकदम तैयार होकर कैसे हो जाते हैं। वैसे दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमारे प्रतीक भाई ने एकदम मस्त काका को सेवा करके पूरा मस्त नहला धुला के एकदम फ्रेश कर दिया है। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रतीक भाई से थोड़ी बहुत बातें करेंगे। क्या प्रतीक भाई, कैसा था ये पूरा आपका? आपने देखा, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो हमारी ऑफिशियल साइट पहले बताया, उस पर भी जाके देख सकते हो। इसमें आपने थोड़ा बहुत देखा और आपने चेंजेस जो मेरे को आपको दिखा रहे थे वो एक था चेंज, कि पहले काका की हालत कैसी थी, अब काका की हालत कैसी है। तो ये सब काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा बहुत टाइम और सबसे ज़्यादा टाइम और एक ट्रिमर अथवा तो अच्छा सा रेजर ले लो, आप किसी की भी जिंदगी ऐसे ही बदल सकते हो। और गवर्नमेंट ही हमें ये सुविधा देती है उनको रखने की, वहाँ उनको खाना पीना सब मुफ्त में मिलता है। तो आप आगे आइए, बस हमारा यही विचार है कि आप सब लोग आगे आइए, अपने आसपास रहते लोगों की मदद कीजिए। और ऐसे ही हम सबकी ज़िंदगी तो नहीं बदल सकते, बट हम किसी की तो बदल ही सकते हैं, उस सूत्र को साकार कीजिए और एक दूसरे की हेल्प करें। और प्रतीक भाई, ये जो अपना शेल्टर है उसमें आप क्या क्या सुविधा देते हो? हमारा जो ये आनंद नगर पालिका और ज्योति सामाजिक सेवा संचालित जो शेल्टर हाउस है, वहाँ पर ऐसे जो कुछ लोग होते हैं जो रोड साइड रहते हैं, जिनकी मानसिक हालत अच्छी होती है, तो उनको हम यहाँ लाते हैं, उनके हालात में बदलाव लाते हैं और उनको यहाँ खाना पीना कपड़ा कोलगेट टूथब्रश से लेके, वो बोलते हैं ना, नेल से लेके हेयर तक की सभी सारी चीज़ें यहाँ पर उनको मुफ्त में मिलती है। उनको कोई चार्जेस नहीं देना है, बस हमारा यही उद्देश्य है कि हम दूसरे लोगों की हेल्प करें और करते रहे आगे बस। और फिर अगर आपको किसी को आपका कांटेक्ट करना और यहाँ पर आना हो तो किस तरीके से? आपकी एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए, पंडित दीनदयाल आश्रय स्थान महावीर झुप्पड़पट्टी की बाजू में, आनंद ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के पाछड़, आनंद गुजरात। अब यहाँ पर आप आ सकते हो कभी भी फ्री टाइम में। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7690001900, 76900011900। बस इस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी की सारी जो भी डिटेल्स होगी वो मैं प्रतीक भाई के साथ बात करके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप इन लोगों का कांटेक्ट कर सकते हैं और आश्रय स्थान के अंदर जो भी कोई आपके आसपास लोग रहते हैं उनका दाखिला करवा सकते हैं। ठीक है ना प्रतीक भाई? सही है। तो दोस्तों ऐसे ही मिलते रहेंगे और किसी ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सारे वीडियोज़ को फैला दीजिए। और बाकी के सारे वीडियोज़ हैं वो प्रतीक भाई के चैनल पर आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।